नमस्ते रुचिरा, में आपका स्वागत है। सावन का महीना आते ही त्योहारों का शुरुआत हो जाती है। इसमें से एक आता है रक्षाबंधन और नारली पूर्णिमा। नारली पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र में ताजा नारियल से नारली भात बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आज मैं पारंपरिक तरीके से नारली भात बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे 3-4 लौंग, 3 हरी इलायची और छोटा दालचीनी का टुकड़ा। इससे हमारे नारली भात में बहुत ही बढ़िया सा खुशबू आती है। इसे 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बासमती चावल। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप इंद्रायणी, अम्बे मोहर या किसी भी सुवासिक चावल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसे भी कढ़ाई में ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इसे भी हमें अच्छे से घी में रोस्ट करना है। अब हम ऐड करेंगे पानी। 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाना है। बाद में इसे ढककर लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हमें पकाना है। 7-8 मिनट हो गए। अब हम राइस को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं राइस हमारा अच्छे से पककर तैयार हो गया है। एकदम खिला खिला सा राइस बन गया है। इसे हमें 50-60% तक ही पकाना है। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल नहीं टूट रहे। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा चावल ठंडा हो चुका है। अब हम नारली भात बनाते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इसमें 10-12 काजू और किशमिश मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद से किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इसे भी लो फ्लेम पर हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। दो तीन मिनट बाद आप देख सकते हैं किशमिश अच्छे से फूल गए हैं और अच्छे से खुशबू भी आ रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम फाइनल प्रोसेसिंग करते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। जो चावल हमने बना के रखा था वो थोड़ा सा चावल यहाँ पर डालेंगे और इसे अच्छे से हमें फैलाना है। अब इसमें ऐड करेंगे गुड़। 3/4 कप मैंने गुड़ लिया है। इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। 3/4 कप फ्रेश नारियल ग्रेट करके लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे आप गुड़ की जगह शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर पारंपरिक तरीके से जो नारली भात बनता है उसमें गुड़ का ही इस्तेमाल होता है। 1/4 कप गरम दूध में 10-12 केसर के धागे मैंने भिगो के रख दिया था, वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड करना है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड करेंगे। और इसके ऊपर से हम जो बचा हुआ चावल है वो डाल देंगे। और इसे अच्छे से हम इस तरह से फैला देंगे। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर इसे ढककर हमें 4-5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। अब इसे हल्के हाथ से हमें मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से पिघल गया है और कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है। देसी घी और ताजा नारियल से इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। खाने में तो लाजवाब लगता है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। नारली पूर्णिमा स्पेशल नारली भात बनकर तैयार है। ऊपर से ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप भी इस नारली पूर्णिमा में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं ऐसे एक नए रेसिपी के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।